मेरे ख्याल से शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने यार सारे गामा कारवा का नाम ना सुना हो, और जैसे ही वो नाम सुनो ना मेरे जो दिमाग में यार वो पुरानी धुन जलने लगती है और वो जो ऐड आ जाता है ना, वाह हा, पूरा मूड रिफ्रेश हो जाता है। सारे गामा ने यहीं पे अपना सारे गामा कारवा साउंड बार को लॉन्च किया है जो कि कैरियोके के साथ आता है और इसमें सब वूफर का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ इसके अंदर FM रेडियो मिल जाता है। इन बिल्ड 1000 सॉन्ग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब अपनी पुरानी यादें आपकी बिल्कुल ताजा हो जाएगी। और आई थिंक इसी तरीके का एक ही लौता स्पीकर है जिसके अंदर FM रेडियो भी मिलता है, प्रीलोडेड सॉन्ग भी मिल जाते हैं, कैरियोके का भी फंक्शन मिलता है, सब ऊपर भी आपको देखने को मिल जाता है और बहुत ही रीजनेबल रेट के साथ भी आता है। तो आज की वीडियो में आपको इसकी फुल टू अनबॉक्सिंग के साथ किस तरीके का प्रोडक्ट है सब चीज बताता हूं। उससे पहले अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो बस एक रिक्वेस्ट रहती है, वो रेड वाला बटन आपको नीचे दिख रहा होगा उसको जरूर से दबा देना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर देना। जल्दी से क्विकली अगर मैं अनबॉक्सिंग की बात करूं तो इस तरीके का बड़ा सा आपको सारेगामा कारवां लिखा हुआ बॉक्स मिलता है, आगे आपको फोटो बनी मिल जाएगी, माइक देखने को मिल जाएगा और कैरियोके फंक्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको यहां पे 1000 जो गाने हैं उसके बारे में भी यहां पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जल्दी से करते हैं सील ब्रेक और सबसे ऊपर आए हाय क्या मस्त यहां पे पैकेजिंग में आपको बताऊं देखने को मिलती है। एक तो यार ये सबसे पहले ब्लैक कलर के बॉक्स में यहां पे कारवां लिखा हुआ ना, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 2 माइक और साथ ही साथ इसके अंदर आपको 4 ड्यूरोसेल की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, यानी आपको अलग से कुछ भी चीज परचेज करने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, अभी रखते हैं इसको साइड में। एक और बॉक्स है इसके अंदर आपको लिखी रखी हुई है एसेसरीज, तो इसको भी खोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर बुकलेट देखने को मिल जाएगी जो कि सॉन्ग्स के बारे में है, कौन-कौन से गाने हैं, साथ ही साथ मैनुअल और इंस्ट्रक्शन वगैरह भी आपको यहां पे एक बुकलेट में देखने को मिल जाता है, तो वो भी आप पढ़ वगैरह सकते हो। रखते हैं ये चीज साइड में और बॉक्स में देखें तो सबसे अंदर आपको एक और देखने को मिलता है रिमोट, तो रिमोट फंक्शन के साथ आता है तो सब चीज आप रिमोट से भी इजीली कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही साथ 2 बैटरी भी मिल जाती है, तो रिमोट में लगाने के लिए हर चीज आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। रखते हैं साइड में तो और आते हैं, तो यहां पे कुछ केबल्स वगैरह भी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आपको एडाप्टर मिल जाएगा जिससे आप यहां पे साउंड बार को पावर करोगे, अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। HDMI केबल भी आपको इन द बॉक्स ही देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ एक ब्रेडेड ऑक्स केबल देखने को मिलती है। भाई साहब क्वालिटी का बहुत ही अच्छा ध्यान यहां पे रखा हुआ है। बाकी अगर हटाएं तो सब चीज, तो नीचे आपको वॉल माउंट करने के लिए स्क्रूज वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, वॉल माउंट भी आपको इसको कर सकते हो। सभी चीज आपको इन द बॉक्स मिल जाएगी, कोई भी चीजों के लिए अलग से आपको पैसे एक्सपेंड एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब चीज तो हो गई, इसको रखते हैं साइड में और देखें तो ओहो यहां पे हमारा रखा हुआ है सब वूफर, ब्लैक कलर में है, ऊपर कारवां लिखा हुआ है, बहुत ही क्लासी और बहुत ही अच्छा बिल्ड के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। इसको भी निकाल के रखते हैं थोड़ा सा साइड में और अब यहां पे देखें तो लास्ट में हमारे पास सबसे नीचे रखा हुआ है हमारा साउंड बार, इसको भी निकालते हैं रखते हैं। ओहो भाई साहब हाथ में लेके ना मतलब एक अच्छी वाली फील आपको जरूर से इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसी साउंड बार की, उससे पहले यार मैं जो सबसे बेस्ट फीचर इसका देखने को मिलता है उसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है इसका कैरियोके फंक्शन। मतलब यार ये वाला फंक्शन ना मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड था ही, उससे ज्यादा मेरे फैमिली मेंबर एक्साइटेड थे, खास करके मेरे पापा मम्मी, जो कि यार मैं टेस्टिंग करते टाइम ही उन्होंने मुझसे छीन लिया था। इतना ज्यादा अच्छा ये फंक्शन आपको देखने को मिलता है। आई थिंक यार घर में ना अगर आप कैरियोके लिए करना चाहते हो सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दूं तो इस तरीके का 2 माइक आपको देखने को मिल जाता है, वायरलेसली ये कनेक्ट हो जाता है, आपको बैटरी भी इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो सिंपल आप बैटरी निकाल के इसके अंदर लगा सकते हो। पूरा आपको इंडिकेशन भी दिया हुआ है कहां पे किस तरीके से आपको बैटरी लगानी है और सिंपली ये ऑन वाले बटन को आपको प्रेस करना है, आपका यहां पे जो कैरियोके माइक है ये हो जाएगा ऑन और सिंपली आपको यहां पे अपने जो साउंड बार है इसके अंदर कैरियोके का ऑप्शन देखने को मिलता है उससे इसको कनेक्ट कर देना है और सिंपली आप बटन दबाओगे, आपका यहां पे माइक कनेक्ट हो जाएगा आपके साउंड बार के साथ। अब माइक तो आपका यार सिंपली कनेक्ट हो गया आपके साउंड बार के साथ और साउंड बार के अंदर ही जो सारेगामा के सॉन्ग मिलते हैं उसके साथ आप यहां पे कैरियोके फंक्शन को एंजॉय कर सकते हो, या अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, ऑक्स से कनेक्ट करो, या टीवी से HDMI से कनेक्ट करो और वहां पे यार सिंपली आप सर्च करो सारेगामा कैरियोके सॉन्ग्स, आपको डायरेक्टली सारेगामा के काफी सारे सॉन्ग्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप प्ले अलोंग करके एंजॉय कर सकते हो। सिर्फ सारेगामा सॉन्ग्स नहीं, आप कोई भी सॉन्ग सर्च कर लो, सभी के साथ आप कैरियोके यहां पे प्ले कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो गाना प्ले करो यार, सबके साथ आप यहां पे प्ले कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सारेगामा के ही गाने प्ले करने हैं, मेरे पसंद में वो आए तो इसलिए मैंने वो प्ले कर दिए। उसके अलावा 1000 आपको यहां पे यार अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनको आप 1 क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो, एंड उसी के अलावा FM रेडियो का भी फंक्शन आपको देखने को मिलता है। अब देखो यार सबसे पहले बात कर लेते
हैं इसी साउंड बार की, तो अगर आप फ्रंट से देखोगे तो इस तरीके का ग्रिल देखने को मिलता है, जो कि यार मेटल फिनिश में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड अच्छी क्वालिटी आपको फ्रंट से देखने को मिलती है। यहाँ पे स्पीकर भी हल्के हल्के विजिबल आपको हो जाएंगे, और साइड में आप देखोगे थोड़ी सी वुडन फिनिश में आपको यहाँ पे ये मटेरियल देखने को मिलता है। मतलब एक क्लासी लुक यहाँ पे मैं जरूर से कहूंगा आपको प्रोवाइड करता है। अब यार बहुत ही लाइट वेट है, आप चाहो सिंपली अपने टेबल पे रख लो, या अगर आप वॉल माउंट भी करना चाहो तो उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और उसी के अलावा सब चीज आपको बॉक्स में ही मिलते हैं, तो अलग से कुछ भी खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वहीं पे बात रही सबवूफर की, तो एकदम क्लासी सा आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल सा आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, आगे यहाँ पे कारवा लिखा हुआ है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, बैक से एक तार जाती हुई आपको देखने को मिलेगी, जिस वायर को आप सिंपली यहाँ पे अपने साउंड बार में बैक में कनेक्ट कर पाओगे। अगर पोर्ट्स वगैरह की बात करूं, सबसे पहले डीसी इन जिसके अंदर से पावर जाएगी, वूफर का यहाँ पे आपको कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, एचडीएमआई एआरसी के सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है, यूएसबी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑक्स इन का भी ऑप्शन मिलता है, एंड कोर एक्सल का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली सभी चीजों से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ऐप का कनेक्शन का ऑप्शन है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, एफएम वगैरह तो आपको नॉर्मली मिल ही जाता है। बाकी यार मेन साउंड क्वालिटी की बात आती है, तो इसके अंदर 120 वाट का आपको यार स्टूडियो सराउंड साउंड के साथ आने वाले स्पीकर्स आपको फ्रंट फायरिंग देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ साथ आपको 2.1 चैनल इनपुट वाला आपको सब वूफर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बेस निकालता है आपके लिए झनझन झनझन वाले ना, वो काफी बाजदार देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसके अंदर चार मोड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप रिमोट कंट्रोल से भी कर पाओगे, म्यूजिक है, मूवी है, न्यूज है, आपको 3D मोड भी देखने को मिलता है। सबसे बहुत ही इजी फंक्शन है, आप नाम से ही सबको समझ सकते हो कि अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो उस मोड में जा सकते हो, म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो जहां पे बेसी म्यूजिक थोड़े से ज्यादा आते हैं म्यूजिक मोड में आप जा पाओगे, न्यूज वाले में अगर आपको वोकल्स वगैरह क्लियर चाहिए वो उस मोड में जा सकते हो, 3D वाले में आपको एक सराउंड इफेक्ट देता है तो वो भी काफी अच्छा वहां पे आपको इफेक्ट मिलेगा। अब यहीं पे बात कर रहा हूं तो रिमोट की भी बात कर लेते हैं, तो सिंपल इस तरीके का आपको रिमोट देखने को मिलता है, क्वालिटी काफी अच्छी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, सारे बटन्स वगैरह आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, ऑन ऑफ वाला बटन है, सारे गामा मोड में जाने वाला बटन है, साथ ही साथ अगर आपको एफएम मोड में जाना है, म्यूजिक मोड में जाना है, यूएसबी मोड में जाना है, ब्लूटूथ से वायरलेसली कनेक्ट करना है, ऑन ऑफ करना है, प्ले पॉज करना है, आपको नेक्स्ट ट्रैक में जाना है, या आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, सभी चीजों का बटन आपको मिलता है, इवन आपको माइक डिस्कनेक्ट कनेक्ट करना है, माइक के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और सिर्फ रिमोट ही नहीं आपके काम के लिए, आपके यार यहाँ पे जो साउंड बार है इसके अंदर भी बटन वगैरह सारे मिल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको इसका ऐप भी देखने को मिलता है, तो ऐप से आप सारे साउंड लाइब्रेरी भी देख सकते हो, एंड ऐप में आपको सब चीज देखने को मिल जाएगी किस तरीके से आपको कहां क्या करना है। अब इन द एंड अगर बात कर ले सबसे बड़ी चीज की, जो कि है साउंड क्वालिटी, तो यहां पे आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाता हूं किस तरीके की यहां पे साउंड निकल के आती है इसकी। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, और बाकी बात रही यार माइक की क्वालिटी की, तो उसके लिए यार मैं अपने अपने पापा की यार आपको एक फुटेज दिखाना चाहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इसको सुनते हुए, इसमें गाना गाते हुए, तो आप उसमें भी समझ सकते हो कि किस तरीके का आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल बात करूं तो इसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, एंड माइक कैरियोके के साथ आपको काफी क्रिप साउंड निकल के आती है, एंड यहाँ पे जो सबवूफर के साथ आपको बेस निकल के आता है अलग अलग मोड्स में बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, प्री लोडेड सॉन्ग मिलते हैं, एफएम का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, मतलब हर चीज इसके अंदर आपको भर के जरूर से देखने को मिल जाएगी। अब मैं कहूंगा यार काफी अच्छी आपको डील देखने को मिल जाती है, फिलहाल इसकी एमआरपी आपको सेल के दौरान 9,990 रुपए देखने को मिलेगी, इसका बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो, सारे गामा कारवा साउंड बार विद सबवूफर एंड कैरियोके, जो कि यार मेरा पर्सनल फेवरेट फंक्शन, मुझसे पूछोगे तो मुझे यार कैरियोके लगा है, मेरे घर वालों को भी बहुत सा लगा है, एंड हाँ इसकी साउंड क्वालिटी भी एक नंबर की आपको निकल के आती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।